मैं ओवरनाइट अपनी कॉलेज में सेंसेशन बन गया. सो शाहरुख खान रिमेम्बर्ड मी आफ्टर वर्किंग इन मोहब्बते. जो लड़कियां कभी घूम के मेरी तरफ देखती नहीं थी, मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछने लगी. उससे भी ज्यादा डिसहार्टनिंग मोमेंट मेरे लिए तब थी जब उन्होंने मुझे पब्लिसिटी में कहीं पे भी शामिल नहीं किया. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माई चैनल फराह खान दिल्ली वाली. मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में बहुत अमेजिंग जगह लेकर चलती हूँ आपको और दिखाती हूँ क्या हैपनिंग हो रहा है. लेकिन आज मैं एक अमेजिंग पर्सनैलिटी के साथ हूँ, रुशाद राणा. देखिए, इनका जो इंट्रोडक्शन है वो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं रुशाद को. रुशाद ने बहुत अमेजिंग काम किया है. रुशाद का सीरियल आता था हिप हिप हुर्रे, और उसके बाद कहता है दिल इनका एक सीरियल आता था जो मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली बैठकर देखते थे और बहुत एंजॉय करते थे. और रुशाद ने बहुत फिल्में की हैं, उसमें मोहब्बतें शामिल हैं, वीर ज़ारा शामिल है, रब ने बना दी जोड़ी जी, में भी जी, काम जी. किया है. तो देखिए, ये दुबई में है रुशाद, तो मैंने सोचा ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी. बहुत कम मौका मिलता है जब आप इस तरह सेलिब्रिटी से बात करते हैं. तो रुशाद, वेलकम टू माय चैनल. थैंक यू. सबसे पहले देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप शुरू से एक्टर बनना चाहते थे, हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड. सो बेसिकली मैं शुरू से एक्टर बनना नहीं चाहता था. मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक्टर बनूंगा. मैं जब स्कूल में था तब मैं लॉयर बनना चाहता था. बट देन आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रामेटिक्स इन स्कूल. मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने का बहुत शौक था. आई यूज टू काइंड ऑफ यू नो विन प्राइजेस फॉर द स्कूल एंड गेट देम. तो बाद में मैंने एक कॉलेज में मैंने कैसे ही पोर्टफोलियो शूट करवाया ये सोच के कि चलो मॉडलिंग में ट्राई करके देखते हैं. अच्छा. सो फॉर अ ईयर आई ऑडिशन फॉर अ लॉट ऑफ एड्स, डिड फ्यू एड्स, और तब जाके मुझे हिप हिप हुर्रे का ऑडिशन मिला. एंड आई क्रैक द ऑडिशन एंड देन हिप हिप हुर्रे हैपेंड, और हिप हिप हुर्रे से फिर मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई. मैं ओवरनाइट अपनी कॉलेज में सेंसेशन बन गया. जो लड़कियां कभी घूम के मेरी तरफ देखती नहीं थी, मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछने लगी. इनफैक्ट हिप हिप हुर्रे के दौरान मैंने अपनी पहली फिल्म की थी मोहब्बतें. और मोहब्बतें के शूट के लिए मैं जब उसी टाइम के बीच में मैंने मोहब्बतें की थी. एंड वो भी हुआ था बिकॉज मेहुल जो हिप हिप हुर्रे में मेरे साथ था, ही इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स नाउ. और मेहुल के साथ मैं YRF फिल्म्स की ऑफिस में गया था. आई हैपन टू ऑडिशन फॉर मोहब्बतें. निखिल अडवाणी जी उस टाइम पे ही वॉज दी एसोसिएट ऑन द फिल्म. तो ही सेड कि अरे यार, आई लाइक योर वर्क इन हिप हिप, तू भी ऑडिशन दे दे. तो आई गेव एन ऑडिशन, वी गॉट सिलेक्टेड, देन मोहब्बतें हैपन. तो जब मोहब्बतें के इंटरनेशनल स्केड्यूल के लिए हम लंदन गए थे, तो आई वॉज टोटली जैप्ड बिकॉज अभी तो मैं अपना पहला सीरियल कर रहा था और उतने में आई हैड फैंस इन लंदन एंड वी वर लाइक वाओ. रुशाद, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने मोहब्बतें में काम किया, आपने वीर ज़ारा में काम किया, रब ने बना दी जोड़ी में काम किया, तो ये जो सारी मूवीज थी यशराज बैनर से थी, तो ये यशराज बैनर और रुशाद राणा का क्या कनेक्शन है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी. ये बहुत ही एक लकी कनेक्शन है मेरे लिए. लाइक आई टोल्ड यू, मोहब्बतें में मुझे एनकरेज करने वाले निखिल अडवाणी जी थे. ही आस्क्ड मी टू ऑडिशन फॉर द फिल्म. आई ऑडिशन्ड, आई गॉट द फिल्म फॉर मोहब्बतें. फिर मोहब्बतें में एक्चुअली आदित्य चोपड़ा सर के साथ अच्छी ट्यूनिंग हो गई. आई थिंक ही इज प्रीटी फॉन्ड ऑफ मी. तो जब वीर ज़ारा में वो कास्ट कर रहे थे, तो आदि सर ने क्लियरली बोल दिया था कि इस रोल के लिए मुझे रुशाद चाहिए. ये तुम्हारा पहला केस है, और जिस तरह से जाकिर अहमद अपने ऑपोजिशन की बेइज्जती करते, तुम्हारा तो करियर ही उड़ा कर रखते. यही तो वो चाहते हैं. क्या मतलब सर? तुम एक काम करो, तुम ऑफिस जाके गवाहों की लिस्ट तैयार रखो, मैं कुछ देर में पहुंचती हूं. पर तुम जा कहां रही हो? जाकिर अहमद से. ओके. क्या? And one more great thing that happened during Veer Zara, my first day of Veer Zara shoot, and Rani Mukherjee ko main mila, and she was like, hey, my mom is a big fan of you. Oh. And she used to watch Kehta Hai Dil at that point in time, jo aapka bhi favorite exactly. show raha hai. Meri mummy ka bhi. Aapke mummy ka bhi. Most beautiful moment life mein kaun sa raha? जब मैंने पहली बार खुद को स्क्रीन पे देखा हिप हिप हुर्रे के पहले एपिसोड में, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट फॉर मी. हम जिस इंडस्ट्री में हैं वहाँ पर
बहुत कंपटीशन है, तो कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपको लगा हो कि यू वर फीलिंग होपलेस और डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? सो मैनी ईयर्स बैक आई हैड डन अ फिल्म कॉल्ड ये फासले, जिस फिल्म पे मेरे बहुत होप्स और उम्मीदें मेरी जुड़ी हुई थी. उस फिल्म के मेकर ने मुझे 3 साल तक टीवी नहीं करने दिया, ये कह के कि आई एम द हीरो ऑफ द फिल्म, आई शुड नॉट बी डूइंग टीवी. ओके. डिसहार्टनिंग मोमेंट तब था ऑब्वियसली जब फिल्म को अच्छे से प्रमोशंस नहीं मिले, फिल्म चली नहीं, लोगों को पता भी नहीं चला कि फिल्म रिलीज हुई है. उससे भी ज़्यादा डिसहार्टनिंग मोमेंट मेरे लिए तब थी जब उन्होंने मुझे पब्लिसिटी में कहीं पे भी शामिल नहीं किया. आई वॉज नॉट देयर एनी वेयर ऑन द पोस्टर्स, नथिंग. एंड आई केप वंडरिंग कि अगर आपने मुझे कहा है कि मैं आपकी पिक्चर का हीरो हूँ और मुझे टीवी नहीं करना चाहिए, तो आपने मुझे पोस्टर्स पे क्यों नहीं रखा? एंड ऑल द आंसर आई गॉट वाज दैट इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी. तो आई सीरियसली डिडंट अंडरस्टैंड हीरो को व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट वाज, आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड. इनफैक्ट एक ऐसा फेज मेरी लाइफ में था जब मैं बहुत डिसिल्यूजन था, व्हेन आई थॉट आई विल क्विट द इंडस्ट्री. बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो वो होप दी, वो मुझे वो गाइडेंस दी कि नहीं, यू नो यू डन, अभी तक तूने इतना अच्छा काम किया है, अभी बैक ऑफ मत कर. एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम, बिकॉज अगर उन्होंने उस टाइम पे मुझे गाइड नहीं किया होता तो शायद मैं बिखर गया होता. रुशाद, आपकी अभी फिलहाल में शादी हुई है और आप वाइफ के साथ यहाँ दुबई में आए हैं जी, और काफी माशाल्लाह आप तंदुरुस्त भी नजर आ रहे हैं. तंदुरुस्त लग रहा हूं मैं. तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं, पिला के एकदम. तो ये आप बताइए कि लाइफ कितनी चेंज हुई आफ्टर मैरिज? एक्चुअली मेरी लाइफ तब से चेंज हो गई है जब से केतकी, जो कि मेरी वाइफ है, मेरी लाइफ में आई है. शी इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग, बहुत ही प्यारी इंसान है वो. लविंग, केयरिंग, मतलब जिस तरह से वो प्यार सबको देती है, एवरी वन अराउंड हर, द वे शी लव्स माई पेरेंट्स, द वे शी लव्स हर ओन पेरेंट्स. सो आई थिंक आई एम वेरी लकी टू फाइंड अ पर्सन लाइक हर इन माई लाइफ. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट शी इज फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, वो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं अनुपमा की. आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? हमारी मुलाकात एक्चुअली बहुत पहले हो चुकी थी जब मैं अनुपमा कर रहा था, बट हमारी लव स्टोरी की शुरुआत तब नहीं हुई थी. 2 साल बाद मैंने एक डेटिंग ऐप पे अपना अकाउंट बनाया. Oh, really? Because yeah, that was the time I think I had the clarity in life ki yaar ab settle hona chahiye, I Achha. Should be finding a partner. Achha. And I found her on that dating app aur okay. our profiles matched aur hamari baatein shuru hui aur then we met for our first date. It was that dating app. Bumble. But ye bahut interesting cheez hai ki dono saath mein kaam karte the. लेकिन हम मिले, मतलब ये सारी बातें बंबल पे शुरू हुई. बंबल पे शुरू हुई. So big thanks to Bumble. Yes, sir. तो गाइज, इस व्लॉग में एक मुलाकात थी रुशाद राणा के साथ. मुझे बहुत मज़ा आया रुशाद से बात करके, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. और रुशाद, आपके जो चाहने वाले हैं वो आपको और आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं वो आप बताइए. तो अभी इनफैक्ट मैं आई हैव बीन फाइनलाइज फॉर अ वेब सीरीज़ जो कि जून में ऑन फ्लोर जाएगी. रोहन सिप्पी जी बना रहे हैं ये वेब सीरीज़. मैं ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दे पाऊँगा. फिर जुलाई में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म पे काम करने जा रहा हूँ, दैट इज़ मेड बाय दिस अवार्ड विनिंग डायरेक्टर कॉल सुधांशु सारिया जी. सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, बहुत ही अमेजिंग ऑनसेंबल कास्ट है. तो वो होने जा रहा है. एंड अभी इनफैक्ट 2 दिन पहले ही दुबई में मुझे खबर मिली कि 1.5 साल पहले हमने एक सीरीज की थी मिथ्या. तो नाउ मिथ्या सीजन 2 इज गोइंग टू बी हैपनिंग सून. तो सितंबर या अक्टूबर में जाके उसका शूट शुरू होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुमकुम भाग्य चल रहा है, अनुपमा चल रहा है. तो माशाल्लाह सो मेनी प्रोजेक्ट्स. यस यस, बाय गॉड्स ग्रेस. यस. तो ये एक छोटी सी मुलाकात थी रुशाद के साथ. आई होप आपको अच्छी लगी हो. अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल फराह खान दिल्ली वाले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. क्यों रुशाद? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को कहिए कि सब्सक्राइब करें इनके चैनल को और इनके मज़ेदार व्लॉग्स देखा कीजिए. थैंक यू सो मच रुशाद. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर.